मॉर्निंग बच्चों, क्लास 5 आज हम आपको कराएंगे हिंदी व्याकरण। सबको अपनी बुक निकाली है, चैप्टर 3। ठीक है, 2 हमारे कंप्लीट हो गए और चैप्टर 3। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, शब्द रचना। सबको बहुत अच्छे से अपनी बुक में से समझना है। ठीक है, शब्द रचना क्या होती है बच्चों? शब्द की परिभाषा, शब्दों के प्रकार देखिए और समझिए। क्या है इसमें? खिलौना, बस, लड़का। ठीक है, खिलौना, बस, लड़का, ये तीनों अलग अलग वर्णों से मेल से बने हैं। देखो खिलौना में क्या क्या है, ख प्लस ई प्लस ल प्लस ओ प्लस न प्लस आ, तो मिला के क्या हो गया बच्चा, खिलौना। तो ये सब अलग अलग हो गए ना हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही बस और लड़का, ये तीनों शब्द सार्थक हैं क्योंकि इनमें इनसे कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब शब्दों के भेद। ठीक है, अब हिंदी भाषा में शब्दों के 3 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, अब कौन कौन से, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। बहुत अच्छे से आपको बुक में से रीडिंग करके समझना है। ठीक है, अब देखो पहले हमने शब्दों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। अब इनके भी भाग हो गए। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तत्सम शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा से उसी रूप में लिए गए हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं, जैसे सूर्य, प्रथम, कार्य, ग्राम, सर्प आदि। अब तद्भव शब्द, ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गांव, सच, सांप, दही, पलना आदि। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए पेज नंबर 16 पर देश शब्द। देश शब्द का अर्थ होता है देश में उत्पन्न। ये शब्द आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे जूता, पगड़ी, पैसा, खिचड़ी आदि। ठीक है, अब विदेशी शब्द, दूसरी भाषाओं, विदेशी भाषा में हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे आदमी, बगी, स्कूल, रूमाल, तौलिया, स्टेशन, लालटेन, बंदूक, जमीन, कमरा आदि। समझ में आ गया, ये कौन से उस पर थे हमारे आधार पर, ये थे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब आ गया हमारा बनावट के आधार पर। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द, ये शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अगर टुकड़े कर भी दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे हाथी, घर, कवि, ग्लास, चीता आदि। यौगिक शब्द, ये शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इनके टुकड़े भी किए जाएं तो वे टुकड़े भी सार्थक होते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, स्नान घर, स्नान प्लस घर, रसोई घर, रसोई प्लस घर, नील कमल, नील प्लस कमल। ठीक है, समझ में आ गया। अब योग रूढ़ शब्द, ये इसके भी आपको दिया हुआ है बुक में, बहुत अच्छे से आप रीडिंग करके पढ़ोगे। अब देखो गप क्या है, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं बच्चों, लिंग, वचन और काल के कारण जिनमें परिवर्तन आता है वे विकारी शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं, जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता वे अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, संबोधन, संबंध बोधक, समुच्च बोधक और विस्मय बोधक, ये सभी अविकारी शब्द होते हैं, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अब देखो हमने ऊपर सारा पढ़ लिया, अब नीचे हमें क्या पढ़ना है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बच्चों, शब्द कहते हैं। शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। लिंग, वचन और काल के कारण जिसमें बदलाव होता है वो कौन से होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। और किसी भी स्थिति में जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता वो क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपनी बुक में ऐसे चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे वीडियो। ठीक है, आगे से और फिर दूसरी वीडियो में कराएंगे। थैंक यू बच्चों।